व्यापम को लेकर सुर्खियों में रहे मध्य प्रदेश में इन दिनों एक और पटवारी परीक्षा के परिणाम की गड़बड़ियों पर भारी हंगामा मचा हुआ है। इस परीक्षा परिणाम के सामने आने के बाद आवेदकों का बड़ा समूह नतीजे में धांधली की शिकायत कर रहा है। वहीं दूसरी ओर जो आवेदक चयनित हुए हैं उनका भविष्य भी एक अधर में लटका हुआ है। चुनावी साल होने के कारण विपक्ष इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार पर लगातार हमलावर है। परिणाम आने के बाद हुए विवाद की वजह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फौरन ट्वीट करके इनकी नियुक्तियों पर रोक लगा दी। उन्होंने इसकी जांच के भी आदेश दिए। शिवराज सिंह चौहान ने एक ट्वीट के जरिए 19 जुलाई को यह बताया कि कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से आयोजित ग्रुप 2 व सब ग्रुप 4 और पटवारी भर्ती परीक्षा की जांच के लिए माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधिपति श्री राजेंद्र कुमार वर्मा को नियुक्त किया गया है। वह आगे लिखते हैं कि पटवारी भर्ती में थोड़ा सा संदेह पैदा हुआ है, तो मैंने यह तय कर दिया है कि अभी नियुक्तियां नहीं होगी, पर अभी होगी जांच। अगर गड़बड़ी मिली तो दोषियों को मामा ठीक कर देगा। आखिर पूरा विवाद क्या है, चलिए इसको एक बार शुरू से समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल प्रदेश सरकार ने 5 मार्च से लेकर 26 अप्रैल तक ग्रुप 2 जिसे सब ग्रुप 4, सहायक संपरीक्षक, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, सहायक नगर निवेशक, सहायक राजस्व अधिकारी, सहायक अग्निशमन अधिकारी जैसे पदों की सीधी और बैकलॉग भर्ती परीक्षा हुई थी। इसके साथ ही पटवारियों के भर्ती की परीक्षा का भी आयोजन किया गया था। यह परीक्षा प्रदेश के 13 शहरों में ऑनलाइन आयोजित की गई। इसके लिए 12.79 लाख परीक्षार्थियों ने आवेदन किया था, जबकि इसमें 9.78 लाख आवेदक इसमें शामिल हुए थे। इसके परिणाम 30 जून को ही जारी कर दिए गए थे, लेकिन विवाद 10 जुलाई के बाद बढ़ा जब इसमें शामिल उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट जारी की गई। इस लिस्ट में परीक्षा में धांधली की बात उठने लगी। इसकी पहली वजह यह रही कि जो मेरिट सूची जारी की गई थी उसमें 10 में से 60 टॉपर्स एक ही सेंटर के थे। वो जानकारी जब सामने आई उसके मुताबिक यह सेंटर ग्वालियर का NRI कॉलेज था। यह भाजपा विधायक संजीव कुशवाहा का कॉलेज है। सवाल अब यहीं से उठना शुरू हुआ कि एक ही सेंटर के बच्चे कैसे पहले 10 में से 7 स्थान पा सकते हैं। वैसे इस सेंटर से कुल 114 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। वहीं दूसरा मामला विकलांग कोटे का भी है। जानकारी के मुताबिक मुरैना जिले की जोरा तहसील के 16 विकलांग का चयन हुआ है, और इन सब में सरनेम जो अगर देखा जाए तो वो सबका समान है, सबका सरनेम त्यागी है। इस परीक्षा में 9,073 पदों में से 6% यानी कि 405 पद विकलांगों के लिए आरक्षित थे। इनमें से 2% बहरे और कम सुनने वालों के लिए थे, तो 2% सेरेब्रल पाल्सी और मस्टकुलर डिस्ट्रॉफी के लिए थे। वहीं 2 अन्य प्रतिशत मंदबुद्धि और ऑक्टोक्सिस से प्रभावित लोगों के लिए थे। परीक्षा परिणाम में एक चौंकाने वाली बात यह भी है कि बहरे लोगों की सूची में जिन लोगों का चयन किया गया उसमें से 80% मुरैना जिले से ही हैं। जब इनमें कुछ सफल आवेदकों से बात करने की कोशिश की गई तो इनके परिवार वालों ने इस पर बात करने से ही इनकार कर दिया। परिवार वालों ने यह भी कहा कि ये लोग विवाद के बाद कहीं दूसरे स्थान पर जाकर रह रहे हैं। हालांकि दूसरे वर्ग में चुने गए पटवारी आवेदकों का दावा है कि उन्होंने इसके लिए कड़ी मेहनत की थी और सरकार को फौरन उन्हें नियुक्ति देनी चाहिए। जो परीक्षा में चुने गए हैं आखिर उन विद्यार्थियों का क्या कहना है, ये भी चलिए सुनते हैं। दीपक साहू परीक्षा में चुने गए हैं और वे सरकार के कदम से नाराज हैं। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा के लिए हमने बरसों पढ़ाई की, और यह कहना कि हम धांधली करके पास हुए हैं सरासर गलत है। हमारे परिवार की हमसे बड़ी उम्मीदें हैं, और जब आज हम सफल हो गए हैं तो इसलिए रोक दिया गया कि हमने धांधली की है। लेकिन जो इसमें कामयाब हुए हैं वो चाहते हैं कि इस परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें बड़े स्तर पर धांधली की गई। मंदसौर की पूनम राठौर ने बताया कि जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो सीधे तौर पर बता रहे हैं कि परीक्षा में सीधी धांधली हुई है। मुख्यमंत्री को हमारे हक में फैसला करके इस परीक्षा को फिर से करवाना चाहिए।
पूनम आगे कहती हैं कि आज के समय में सरकारी नौकरियां बची ही कहाँ है, अगर इस तरह से पोस्ट निकलती है और उसमें धांधली कर दी जाए तो आखिर हम लोग क्या करेंगे, क्या परिवार भी कब तक हमारे लिए पैसा देगा। इस परीक्षा को रद्द करने की जो मांग को लेकर मध्य प्रदेश में कई जगह प्रदर्शन हुए, वहीं चयनित उम्मीदवारों ने भी भोपाल में प्रदर्शन करके जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र बांटने की मांग की। कांग्रेस पार्टी ने भी भोपाल में इस मुद्दे को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया। हालांकि कांग्रेस नियुक्तियों पर रोक को अपनी जीत के तौर पर देख रही है, वही पार्टी ने इसे अब सीबीआई की जांच कराने की मांग भी की है। हालांकि कांग्रेस नियुक्तियों पर रोक को अपनी जीत के तौर पर देख रही है, वहीं पार्टी ने इस मामले की सीबीआई जांच कराने की भी मांग की है। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव के मुताबिक शिवराज सिंह ने नियुक्तियों रोक कर स्वयं स्वीकार किया है कि पटवारी भर्ती परीक्षा में घोटाला हुआ है। अरुण यादव कहते हैं कि हम चुप नहीं बैठेंगे और इसे लेकर लड़ते रहेंगे। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले में सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि जिस सेंटर को लेकर विवाद हो रहा है वहां 10,000 छात्रों ने परीक्षा दी है जिसमें से 114 का चयन हुआ है, मुझे नहीं लगता कि हैरानी की बात है। इसे व्यापम 3.0 क्यों कहा जा रहा है, चलिए ये भी जान लेते हैं, क्योंकि जब आप मध्य प्रदेश में अभी मामला इतना गर्म है कि इसके बारे में किससे भी अगर आप चर्चा करेंगे तो सीधा इसे व्यापम 3.0 का नाम दे रहे हैं। इस मामले में 13 जुलाई को सामाजिक कार्यकर्ता ने परीक्षा परिणामों पर सवाल उठाते हुए इंदौर हाईकोर्ट की खंडपीठ में एक जनहित याचिका दाखिल की थी। 21 जुलाई को न्यायालय ने इसे खारिज करते हुए उन पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। न्यायालय ने कहा था कि याचिकाकर्ता के कोटे को महत्वपूर्ण समय को खराब कर दिया है। राज्य सरकार इससे 2 दिन पहले ही परीक्षा परिणाम की जांच के आदेश दे दिए थे। इस पर रघु परमार कहते हैं कि सरकार से जांच की मांग कर रहे थे तो सरकार ने उसका आदेश दिया है। यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो सरकारी नौकरी में चयन और परीक्षाओं को लेकर हमेशा से बदनाम रहा है। प्रदेश का व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी कि व्यापम 2010 के बाद से ही विवादों में रहा है। उसके बाद सरकार ने इसका नाम बदलकर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड कर दिया था, लेकिन जब मामला खत्म नहीं हुआ तो उसका नाम बदलकर कर्मचारी चयन मंडल कर दिया गया। लेकिन नाम बदलने से विवाद अब भी वही का वही है और वो खत्म नहीं होता। इस परीक्षा में धांधली को लेकर प्रदर्शन करने वाले आवेदकों इसे व्यापम 3.0 बता रहे हैं। व्यापम घोटाले को लेकर निशाने पे रही शिवराज सरकार के लिए चुनावी साल में यह मुद्दा बेचैन करने वाला है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी के जो 4 स्तंभ हैं कहीं ना कहीं वह डगमगाते हुए दिख रहे हैं। चाहे मामला पटवारी भर्ती का हो या फिर संगठन के कुछ अंदरूनी झगड़ों का या फिर दिल्ली दबाव का या फिर शिवराज अपने आप को आखिर क्यों इतना असहज महसूस करते हैं। इसी तरह की तमाम सूचनाओं तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए नजर टुडे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। शुक्रिया।